ऊबर खाबर पहाड़ियों पर बने आमेर किले के ऊपर आकाश बड़ा सम्मोहक लग रहा था। किले की छत से एक राजकुमारी और राजा आकाश में खिले चांद तारों को देख रहे थे। आकाश को निहारते हुए राजकुमारी ने राजा से पूछा कि तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर हैं। हालांकि राजा को खगोल शास्त्र में रुचि थी, लेकिन वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। राजा ने तय किया कि वे इस प्रश्न के उत्तर की खोज अवश्य करेंगे। ये उनके जीवन की परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। बाद में सवाई जयसिंह महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। सवाई जयसिंह ने 13 वर्ष की उम्र में आमेर की राजगद्दी संभाली। पहले इनका नाम जयसिंह था। उन्होंने सन 1701 में मराठों को युद्ध में हराकर विशालगढ़ जीत लिया था। उनकी इस विजय पर खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। धीरे धीरे राजा जयसिंह ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली। साथ में उन्होंने खगोलविद और वास्तुकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। वे खगोलविदों को दरबार में निमंत्रण देते और गोष्ठियां करवाते। उनका लक्ष्य खगोल शास्त्र का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। राजा जयसिंह ने खगोल पर पुस्तकें, संहिताएं, सारणियां और सूची इत्यादि पुर्तगाल, अरब और यूरोप से इकट्ठा की। उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराया और उन्हें संस्कृत में नाम भी दिए। सन 1724 में दिल्ली में एक वेदशाला का निर्माण किया गया। इसे नाम दिया गया जंतर मंतर। इसे बनाने में राजा जयसिंह ने पंडित विद्याधर भट्टाचार्य से सलाह ली। बाद में उन्होंने जयपुर शहर की डिजाइन बनाने में भी सहायता की। उन दिनों यूरोप में पीतल के छोटे उपकरणों का प्रचलन था, परंतु राजा जयसिंह ने ईंट चूने के विशाल उपकरण बनवाए। राजा सवाई जयसिंह की वेदशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। ये उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तब भारत में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। सवाई जयसिंह ने गहन अध्ययन व शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई जानकारियां दी। जयपुर व दिल्ली की जंतर मंतर वेदशाला उनका अनुपम उपहार है। धर्म रक्षक होने के नाते सवाई जयसिंह ने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन किया था। वे अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ भी किया। भारत के इस धर्मानुरागी राजा को कोटि कोटि नमन।